मुहर्रम शरीफ जाते हैं लोग ना अपन वोटियां पेके पे छड़ते हैं कि ये जी गम तो सोग का महीना है। ठीक है, जुल्मो सितम करबला के अंदर खानदान आले बैत के उत्ते हुए और सईदना इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला ने उम्मत नू दो ग्रोह बना के उन्हां दे अंदर किताल करा के मुसलमाना दे खून बहान दे उत्ते अपनी शहादत नू तरजीह दे के कलिमा हक जालिम बादशाह दे सामने बुलंद करके ते शहादत नू सरखमे तस्लीम कबूल फरमाया। लेकिन इहदा ये मतलब नहीं कि इमाम अली मकाम का यह इरादा मुबारक है कि तुसा इन दिनों अपने मामूलाते जिंदगी रोक दिया जे, अपनी शादी निकाह रोक दिया जे। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप की शहादत बड़ी मजलूमाना तरीके नाल हुई, ये कोई शक नहीं। मगर अगर इस तरह के वाकयात का यह मतलब होंगे फिर तो साल किसी दिन च भी असी तो मेरा ख्याल है ना विआह कर सकांगे तो ना बीवी के नेड़े जा सकांगे। हजरत यूनस अलैहि सलाम शहीद नहीं किया गया, इदरीस अलैहि सलाम अल्लाह तआला के नबिया बनी इसराइल कतल नहीं सन करते होंगे। हजरत उस्माने गनी पाक नू 40 दिन बेआबो दाना रख के शहीद नहीं किया गया। हजरत फारूक आजम नू कुरान पढ़द्या नहीं शहीद किया गया। अगर हजरत हमजा पाक नू शहीद करके उन्होंने कलेजा नहीं चपाया गया, किस किस तरह दर्दनाक शहादत वाकई हुई तारीख इस्लाम और तारीख दुनिया के अंदर। अगर उन्होंने जान सारिया का मतलब इन हो फिर तो सारा साल इंज लंघ जाए करे, ये फिर राह बन जाइए ईसाइया मंगन छड़ जाइए सारा शहर एक पासे होकर बह जाइए तो बस दुख करते रहिए। उन्हां दी कुर्बानियां ते शहादतां दा मतलब उन्हां दा दुख नहीं, उन्हां दे उत्ते फखर, उन्हां नू सलाम पेश करना और उन्हां दी कुर्बानियां नू वेख के उन्हां नू जुरत हासिल करना और अपने दौर दे दीन दे मुकाबले और मुखालिफ दे दीना दे खिलाफ सीना ताना दा तरीका सिखण दा नाम इस्लाम है। समझ आई है? यही 10 दिन घुनू मनु बन के रह रहा होते, बाकी 11 महीने 20 दिन वही यहूदी का स्कूल, वही यहूदी की तालीम, वही यहूदी की छुट्टी, वही यहूदी की वर्दी, वही सारा कुछ यहूदी वाला रखी रखो। तो 10 दिन की है जी इमाम हुसैन दरों हो गया, मैं नाम मुरादा इमाम हुसैन रवान नहीं आए, इमाम हुसैन इस्लाम नाल जवान आए। गल समझ आई है कि नहीं आई?